हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे 34 साइज चेस्ट का पैडेड ब्लाउज, वो भी प्रिंसेस कट में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एम्ब्रॉयडरी नेक के साथ जो ब्लाउज आता है ना, उस ब्लाउज का कटिंग सिलाई पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको कप डालना भी समझ में आ जाएगा कि कैसे पैडेड ब्लाउज बनाते हैं। यहाँ पे लंबाई देख सकते हैं ब्लाउज का, इसे भी आपको कम करना है, तो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बाजू के लिए दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी। अब हम यहाँ से अस्तर लेंगे और अस्तर को यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे खोल करके। तो सबसे पहले किसी भी ब्लाउज की कटिंग ना, अगर अस्तर वाला ब्लाउज हो तो हम अस्तर के ऊपर ही उसकी मेन कटिंग करते हैं। तो यहाँ से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो 34 साइज के साथ 36 साइज और 32 दोनों साइज, इससे एक साइज आगे और पीछे दोनों साइज को आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर मैं कपड़े को 10.5 इंच में फोल्ड की हूँ। देखिए नीचे से 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। सबसे पहले पीछे के पल्ले की कटिंग करते हैं। तो मैं 34 साइज के लिए 10.5 इंच में फोल्ड की हूँ। अगर आप 32 साइज बना रहे हैं तो 10 इंच में फोल्ड कीजिएगा, और 36 साइज बना रहे हैं तो 11 इंच में फोल्ड कीजिएगा। अब 1 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए 14 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ब्लाउज का तैयार लंबाई हमें 14 इंच रखना है और मार्जिन नीचे 1 इंच हम पहले ही ले लिए हैं। शोल्डर यहाँ पे 6 इंच लेंगे, नीचे भी 6 इंच ले लेंगे। डीप नेक में ब्लाउज है फिर भी शोल्डर हम 6 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इसका गला है ना, गले पर एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है तो उस गले को थोड़ा सा हम चौड़ा ही बनाते हैं, तो 1/2 इंच हम शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा लिए हैं। आर्म होल भी हम 6 इंच ही ले लेंगे, 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल। ये साइज ना आप 32 साइज में भी ले सकते हैं और 36 साइज में भी आप इस तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल। सीने का चौथाई भाग 8.5 इंच ले लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। नीचे से कमर का जो चौथाई भाग होगा 7 इंच मेरे में है, 1 इंच कमर के प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो जैसे नॉर्मल ब्लाउज की मार्किंग की जाती है उसी तरह से पीछे के पल्ले को मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच 2 सुता पे इसमें गहराई देंगे, पीछे का पल्ला है, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। शोल्डर आपको 6 इंच लेना है एम्ब्रॉयडरी नेक में। अगर आपको ब्लाउज तैयार करने के बाद से आपको लग रहा थोड़ा सा चौड़ा शोल्डर हो गया तो उस टाइम आप छांट लीजिएगा बाजू ज्वाइंट करते टाइम, नहीं तो फिर अगर कम कट कर देते हो आप तो प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा रहेगा तो हम छांट के उसको कवर कर सकते हैं। अब बचे हुए कपड़े को बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को बढ़ा के फोल्ड करने के बाद से पीछे के पल्ले को इसके ऊपर सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना 1/2 इंच पर एक सीधी लाइन बना लेंगे क्योंकि पीछे के पल्ले से आगे की पल्ले की लंबाई प्रिंसेस कट में 1/2 इंच ज़्यादा रहता है। 1/2 इंच से एक सूता आप एक्स्ट्रा ही कर लें अगर कप डालना है तो। बाकी बिल्कुल एग्जिट मार्किंग कर लेंगे, जैसे पीछे का पल्ला है ना बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं इसके ऊपर। नीचे से आपको बस क्या करना है, 1/2 इंच छोड़ के मार्क करना है। तो देखिए अब इसको यहाँ से हटा लेंगे। हटाने के बाद से 1 इंच ले लेंगे आर्म होल के साइड और नीचे की साइड हम 1.5 इंच ले लेंगे। तो ऊपर की साइड ना 1 इंच हम लिए हैं किसी भी साइज में, पर नीचे की साइड अगर आप ज़्यादा हैवी साइज बना रहे हैं तो 2 इंच लीजिएगा। और ऐसे तो 32, 34, 36 तीनों साइज में आप नीचे की साइड 1.5 इंच और ऊपर की साइड 1 इंच बढ़ा सकते हो आगे पल्ले में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बाहर वाली मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। कट करने के बाद से गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे और गला का लंबाई यहाँ से हम ले रहे हैं 6.5 इंच में, क्योंकि 6 इंच में हमें गले को तैयार करना है। अब यहाँ से देखिए टक्स पॉइंट लेंगे, यानी कप जहाँ हम डालेंगे उसके लिए मार्क करें तो 9.5 इंच पे हम करेंगे 34 साइज में, और 36 साइज है तो 9.5 से बस 2 पॉइंट आप बढ़ा लीजिएगा नीचे के साइड। बंद भाग से इसकी दूरी होगी, अगर आपको कप डालना है तो आप बंद भाग से 4 इंच में 2 सूता कम ले लें 34-36 दोनों साइज के लिए। नीचे की साइड 3 इंच 2 सूता ले लेंगे, ऊपर की साइड से नीचे की साइड 1/2 इंच कम लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए 4 इंच में 2 सूता कम लिए हैं, जो 1.5 इंच हम साइड में बढ़ाए हैं ना उसी को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद से यहाँ पे आर्म होल के लिए चकोर शेप बना लेंगे। तो बस आपको ना थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, जिस साइज का हम बना रहे हैं जितने पे मार्क किए हैं, अगर उससे एक थोड़ा सा बड़ा साइज है तो आप 2-2 सूता टक्स पॉइंट और इसकी दूरी को बढ़ा लीजिए, अगर कम साइज है तो 2 सूता कम कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से आप अपना भी माइंड लगा के साइज के हिसाब से कवर कर सकते हैं। बाकी प्रिंसेस कट में देखिए मैं किस तरह से शेप दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से इसमें शेप देंगे।
और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आधा इंच हम आधा इंच पे एक जो लाइन बनाए हैं ना पीछे के पल्ले से आगे की पल्ले की लंबाई जो बढ़ाए हैं उसको ऐसे तिरछे में कम करना है। देखिए इस तरह से, इसी तरह से तिरछे में आपको इसको कम कर लेना है। और उसके बाद से ना जो हमारी मार्किंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। गले को अभी हम नहीं कट करेंगे, गला का कुछ भी मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि गला का जो शेप है ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर दिया हुआ है, तो इसमें आपको गले को नहीं कट करना है। सिलाई करते टाइम गले को तैयार करेंगे। बाकी जिस तरह से मार्किंग है साइड से भी देखिए इस तरह से छांट लेंगे। तो आगे के पल्ले की भी ना कटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए यहाँ पर ना अब मेन कपड़े को लेंगे। तो मेन कपड़े पर देखिए कैसे कट करना है आपको। यहाँ पे आपको ध्यान देना, सबसे पहले ना कढ़ाई से आधा इंच नीचे बिल्कुल सीधे में कट कर लेना। यहाँ पे जो दिया है ना नीचे प्लेन कपड़ा देना चाहिए बट नहीं दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, कट करके एक पल्ले को अलग करके यहाँ पे गले के आधे हाथ से आपको फोल्ड करना है। इस चीज़ का आपको एकदम ध्यान देना है, गले के बिल्कुल बीचों बीच से आपको फोल्डिंग लगानी है। और अब यहाँ से गला का लंबाई देखेंगे तो देखिए 6.5 इंच में हमें लंबाई चाहिए, तो उतना ही हमारा बच रहा है। अब इसके ऊपर एकदम बराबर करके रखेंगे तो इसमें लंबाई ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर आप में ज़्यादा लंबाई हो रहा है तो बॉर्डर को कट करके ऊपर की साइड सेट कर लें। अब बिल्कुल इसके बराबर कट करेंगे देखिए इस तरह से, क्योंकि इसमें हमें कप डालना है। अगर आपको कप नहीं डालना है तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें कप डालना है ना आप बिल्कुल उसके बराबर से कट करो। और यहाँ पे अगर जिस ब्लाउज में आपको कप डालना है, काफ़ी पतला कपड़ा है तो उसमें आपको 2 लेयर अस्तर आगे की साइड डालना होता है। तो यहाँ पर मोटा कपड़ा है तो हम 1 लेयर अस्तर से ही काम चला लेंगे। अगर आपको ना बिना पैडेड ब्लाउज बना, मान लीजिए जिस ब्लाउज में आपको कप नहीं डालना है और इस तरीके का ब्लाउज है उसको बनाना है, तो एंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगी, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ना इसको कट कर लिए हैं। अब पीछे के पल्ले को भी ना एकदम गले के आधे हाथ से फोल्ड करेंगे। गला का जो कढ़ाई है ना बिल्कुल एक पर आना चाहिए, देखिए इस तरह से एकदम एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए, नहीं तो फिर गला तिरछा हो जाएगा। अब पीछे के पल्ले को ना इसके ऊपर रखेंगे और छांट लेंगे। तो इसमें भी आपको बता रही हूँ, अगर आपका ज़्यादा लंबाई है तो बस आपको क्या करना है, बॉर्डर को कट करना है, फिर ऊपर की साइड जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना छांट के ज्वाइंट कर लेना है। तो मेरे में देखिए यहाँ पे कटिंग हो गया है। और अब हम बाजू को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बड़ी स्लिप बनानी है तो दूसरा अस्तर यूज करेंगे इसमें। तो अस्तर को हम 4 भाग में फोल्ड करके रखे हैं। 11 इंच में बाजू का लंबाई लिए क्योंकि 10 इंच में तैयार करना है। 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे और 7.5 इंच आर्महोल का घेरा है। 2 इंच साइड में सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बाजू की मार्किंग हो गई है। 5.5 इंच मोहरी ले लेंगे और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो आपको अपने साइज के हिसाब से कट कर लेना है। मैं यहाँ पे 34 साइज के लिए वाला स्लिप कट कर रही हूँ। अगर आप 36 साइज का बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, साइज कवर हो जाएगा। देखिए बाजू को भी कट कर लेंगे इसके ऊपर रख के। बाजू की भी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। साइड में थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो उसको बाद में हम ज्वाइंट कर लेंगे, मेन कपड़े में थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब हम आ गए हैं मशीन पे और मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसमें हमें कप डालना है। तो कप डालने के लिए आपको क्या करना है, अस्तर को अलग ज्वाइंट करना है और मेन कपड़े को अलग से ज्वाइंट कर। देखिए मेन कपड़े को ना बिना अस्तर में चिपकाए ही आपको ज्वाइंट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कप नहीं डालना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको देखिए अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में चिपका लेना है। तो मुझे यहाँ पे कप डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मेन कपड़े को पहले ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आपको इसमें कप नहीं डालना है तो अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को पहले आपस में ज्वाइंट कर लेना है, फिर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइंट करना है। लेकिन मैं यहाँ पे मेन कपड़े को ज्वाइंट कर ले रही हूँ पहले। देखिए इस तरह से मिलाती हुई नीचे से, कभी भी आपको प्रिंसेस कट वाला पार्ट जो है ना नीचे से ज्वाइंट करते हुए ऊपर के साइड तक आना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। क्योंकि नीचे की साइड अगर बराबर रहेगा, ऊपर की साइड आर्म होल की साइड एक चाप ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो उसको हम छांट के कवर कर लेंगे। लेकिन अगर नीचे कमर के साइज पर एम्ब्रॉयडरी ऊपर नीचे होगा ना तो अच्छा लुक नहीं देगा। देखिए दोनों साइड ज्वाइंट कर लिए हैं और बिल्कुल इसी तरह से अस्तर वाला पार्ट अलग ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी आपको ज्वाइंट कर लेना है जैसे ऊपर वाला पार्ट आप ज्वाइंट किए हो। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट भी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको सीधे साइड से रखेंगे
और अस्तर इसके ऊपर रखेंगे। अस्तर का जो मार्जिन वाला पार्ट है ऊपर की साइड आप देख सकते हैं दिख रहा है सिलाई उसका, तो सेंटर का जो कट है ना उसको आपको मिला लेना है। और वैसे भी हम अस्तर और मेन कपड़ा दोनों इसीलिए एकदम बराबर कट किए थे ताकि हमें दोनों को सेट करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे पिन लगा लेंगे चारों तरफ से एकदम बराबर से सेट करके। देखिए इस तरह से देख लेंगे कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। पिन से अच्छे से सिक्योर करने के बाद से ना अब हम यहाँ पे सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे। अंदर का जो एम्ब्रॉयडरी है गले का ना बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, बस कढ़ाई को बिल्कुल चिपकाते हुए आपको गले के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ से ना सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर लेना है। छोटा छोटा कट लगाएंगे यहाँ पे पूरे राउंड में। और छोटा छोटा कट लगाने के बाद से ना अब अस्तर को यहाँ से बाहर की साइड पलटेंगे। बाहर की साइड पलट के इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे और अस्तर को उल्टे साइड फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से ना गले के सीधे साइड से एक सिलाई लगाएंगे कि अस्तर बाहर के साइड ना निकले और गला अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाला नेक बनाते हैं तो जो गला का शेप है एकदम परफेक्ट आता है, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए बस शोल्डर ज्वाइंट करेंगे और आर्म होल ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर आर्म होल का दोनों ज्वाइंट आपको मिला लेना है, बस यहीं तक आपको सिलना है क्योंकि इसमें हमें कप डालना है। पहले कप डालेंगे उसके बाद से नीचे का पैक करेंगे, फिर बस आर्म होल साइड से भी इस साइड का भी सिल लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड भी आर्म होल के पास तक सिलाई लगा लिए हैं। और अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके आपको ना फिर से कप डालने के लिए एक बार यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो 34 साइज के लिए कितने पे मार्क करेंगे, 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर 36 साइज है तो 9.5 इंच से 2 सूता, बस इंची टेप में जो छोटा छोटा लाइन बना हुआ है ना बस 2 सूता बढ़ा लेंगे। 32 साइज के लिए अगर आप बना रहे हैं तो बस उतना ही, दोनों साइड आप नाप लें कि बराबर पर मार्किंग हुआ है कि नहीं। बस अब इसी निशान को यहाँ पर डार्क कर लेंगे अंदर के साइड ताकि हमें पता चल सके कि हमें कप को कहाँ पे सेट करना है। अब देखिए इस तरह से ना कप को मोड़ेंगे और इसका जो सेंटर पॉइंट है ना उसको निकालेंगे। सेंटर पॉइंट पे उंगली रखेंगे और यहाँ पे जो हम निशान बनाए हैं बिल्कुल उस निशान के ऊपर सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। फिर दूसरे साइड कर लेंगे और उसे भी आपको उसी तरह से मोड़ करके उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है और इस साइड इसको भी टक कर लेना है। आपको ध्यान देना है ना कि कप ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल एक जगह पे दोनों साइड ज्वाइंट हो। देखिए दोनों साइड कप को सेट करने के बाद से अब ऊपर वाला कपड़ा इसके ऊपर रख के सेट करेंगे और इसको अच्छे से सेट करके देख लेंगे कि कहीं भी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए अब नाखून से अच्छे से बैठा लेंगे इसका सिलाई। और आर्म होल तक तो हम पहले ही सिलाई लगा चुके थे, अब आर्म होल के बाद नीचे के साइड का जो है ना ऊपर का कपड़ा और नीचे का अस्तर का दोनों को आपस में सेट करेंगे। देखिए ऊपर का जो प्रिंसेस कट का ज्वाइंट है और अंदर का अस्तर का उस चीज़ को आपको ज़रूर से मिला लेना है कि वो तो तिरछा नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर आपका कप अच्छे से नहीं बैठेगा फिटिंग में। तो चारों तरफ से एकदम इक्वल आ रहा है आप देख सकते हैं। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे, एकदम गले के बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और इसमें कहीं कम ज़्यादा है ना उसको छांटेंगे। तो अब देख सकते हैं कि एक साइड का जो आर्म होल है थोड़ा सा चौड़ा लग रहा है, तो इसको आपको बराबर कर लेना है। यहाँ पे आर्म होल में से मैं थोड़ा सा छांटी हूँ क्योंकि शोल्डर हमें चौड़ा लग रहा था, तो इसी तरह से आपको भी अपने हिसाब से एक बार देख के इसको ज़रूर छांटना है। अब यहाँ पर साइड से भी ना एक पॉइंट भी अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है उसको बराबर कर लेना है, इससे आपकी ब्लाउज की जो फिनिशिंग है ना बहुत अच्छी आती है। इस चीज़ को आपको ज़रूर से चेक करना है। अब नीचे के साइड हम कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे जैसे नॉर्मल ब्लाउज में ज्वाइंट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अब देखिए अस्तर को बाहर की साइड करके इसके ऊपर एक बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे और फिर उसको उल्टे साइड फोल्ड करके यहाँ पे सेट कर लेंगे पट्टी को। और अब देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। और अब हम पीछे के पल्ले को भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब इसको साइड में करेंगे और अब देख सकते हैं इसका भी गला पलट के नीचे के साइड हम कमर पट्टी लगा लिए हैं जैसे आगे का पल्ला तैयार किए थे। अब यहाँ से ना पीछे की साइड में ना टक्स लगा लेंगे जैसे नॉर्मल ब्लाउज में टक्स लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे। देखिए दूसरे साइड में ना आपको सेम जगह पे टक्स लगा लेना है।
दोनों साइड टक्स लगाने के बाद से अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इसके लिए ना आगे के पल्ले को लेंगे और यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ब्लाउज में ना मैं इस साइड में चैन लगाने वाली हूँ, इसकी वजह से किसी भी साइड में हुकाई पट्टी नहीं ज्वाइंट की हूँ। दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। और वैसे भी इसमें ना हुकाई पट्टी के लिए किसी भी साइड जगह नहीं दिया था, गला बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ था चौड़ाई उसका। दोनों साइड छांट के बराबर कर लेंगे, पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को मिला के आर्म होल को बराबर कर लेंगे। और अब यहाँ से देखिए, हम बाजू को अस्तर के साथ सेट करके रखे हैं। अब बाजू के बीच में एक छोटा सा कट लगाएंगे, उस कट को मिलाएंगे और जो बाजू का पल्ला आगे के साइड आ रहा है उसमें आपको ना हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा करके उतना छांट लेना है। ये चीज़ को आपको ज़रूर करना है, नहीं तो फिर आपके आगे के पल्ले में ना झोल आने लगेगा, आर्म होल साइड में चुन्नटे बनने लगेंगी। तो शोल्डर से आपको ना बाजू को मिला के चेक करना है कहाँ तक आपका आ रहा है। और जैसे नॉर्मल बाजू ज्वाइंट करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हम बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। जब भी आप बाजू ज्वाइंट करो तो शोल्डर का जो ज्वाइंट है और बाजू का जो सेंटर पर कट लगा हुआ है, दोनों एक पर आना चाहिए। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर आपका बाजू तिरछा ज्वाइंट होता है और उसकी फिटिंग अच्छी नहीं आती है। यहाँ पे देखिए, एक साइड का बाजू ज्वाइंट हो गया है, अब दूसरे साइड का बिल्कुल उसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों साइड बाजू को ज्वाइंट करने के बाद से अब हम ब्लाउज को फिटिंग करेंगे। तो किसी भी ब्लाउज को मैं बता रही हूँ फिटिंग करने के लिए आपको कैसे फिटिंग करना है। आगे पीछे पल्ले को आपको मिला लेना है कमर के साइड भी, कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे 17 इंच चेस्ट है, तो देखिए 17 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। 2 इंच इस साइड बच रहा है तो 2 इंच उस साइड भी बचना चाहिए, बीच का जो एरिया है आपके साइज के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 18 इंच है तो कमर हमें 14 इंच रखना है, 28 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 14 इंच आएगा। तो दोनों साइड भी इसमें भी आपको बराबर बराबर कपड़ा ले लेना है और यहाँ से मार्किंग कर लेना है। तो आप अपने साइज के हिसाब से कीजिएगा। तो चैन डालने के लिए देखिए, राइट साइड हम चैन डालते हैं, तो राइट साइड आपको कैसे सिलना है इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके जिस साइड चैन डालना है उस साइड मैं इसको सिल रही हूँ। देखिए नीचे से आपको एकदम बराबर से मिला लेना है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए मोहरी है 5 इंच 2 सूता, तो उतने पे मार्किंग करके इसको फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस साइड में चैन डालना है तो इसकी फिटिंग कैसे होगी। अब जो देखिए आर्म होल के पास आएंगे यहाँ पे, और आर्म होल के ना 2 इंच नीचे तक आपको सिलाई लगाना है। कितने इंच? 2 इंच नीचे तक आपको यहाँ पे देखिए सिलाई को अच्छे से लॉक कर लेना है और फिर एक चाप की दूरी पर बाजू पर सिलाई लगा लेंगे। तो बस उतना ही दूर तक आपको सिलाई लगाना है जिस साइड आपको चैन डालना है। अब दूसरे साइड आ जाएंगे और देखिए जितना कमर के साइड में निशान बनाए उतना फोल्ड करके यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगा लेंगे। बाद में आपको चैन इसमें लगाऊंगी क्योंकि इस कलर का चैन अभी नहीं है। दूसरे साइड भी उतना ही फोल्ड करेंगे और ये चैन लगाने के लिए रेडी हो गया। अब जिस साइड आपको चैन नहीं डालना उस साइड आपको क्या करना है, पहले सीधे साइड से एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सीधे में एकदम किनारे पर। ये वाली गुम सिलाई होती है, जब आप इसको पलटते हो ना तो अंदर के साइड चला जाता है सिलाई। तो किसी भी ब्लाउज को आप इसी तरह से पहले सीधे साइड से सिलाई लगाओ, फिर उसको पलट के उल्टे साइड से फिटिंग करो। अब इसको पलट के यहाँ से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करके देखिए फिटिंग का जो निशान है बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, बस उसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेना है। बाजू का भी जो आपका नाप हो उस तरह से बाजू का भी मार्किंग कर लेना है। और बाजू को फिटिंग करने के बाद से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज ना अब कंप्लीट हो जाएगा। एक सिलाई और लगा देंगे एक चाप की दूरी पर, ताकि अगर आपके कस्टमर को ब्लाउज लगे कि ज़्यादा फिटिंग हो रहा है तो एक सिलाई निकाल के दूसरे सिलाई के ऊपर उसको पहन सकें। अब इसमें देखिए पीछे के पल्ले में डोरी लगा लेंगे और डोरी लगाने के बाद से यहाँ पर लटकन लगाएँगे। लटकन को अटैच करने के बाद से यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। ब्लाउज का कटिंग सिलाई का या फिर ब्लाउज डिज़ाइन का, बाजू डिज़ाइन का, सारा चीज़ का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप चैनल को चेकआउट कीजिए और वीडियो को देखिए, आप लोग के पसंद का वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स देखिए,
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हम चैन लगाए हैं, वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया, तो दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगी कि चैन कैसे लगाया जाता है, या फिर आप किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं, चैन उसमें लगाना सीख सकते हैं। पहनने के बाद से ब्लाउज़ का फिटिंग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल